अपलोड हुआ था जिसमें ये बताया गया कि ये प्रमोद प्रेमी नाम का एक भोजपुरी गायक है, उसने एक गाना गाया है और उसमें कुछ राजनीतिज्ञों के ऊपर उसने जो है कमेंट करते हुए और वो एक तरीके से जो है कि एक देशभक्त गाना बनाया था। तो जैसे ही हमने प्राथमिकी के लिए जो है कि शिकायत प्राप्त हुई और हम लोगों ने जैसे अपना फॉलो किया तो उसके बाद से तो उसने जो है ये फेसबुक जो भी सोशल मीडिया पर जहाँ भी अपलोड किया था और खास करके यूट्यूब से वहाँ से अपना ये लिंक हटा लिया गाना और वहाँ से, लेकिन क्योंकि वो एक बार अपलोड कर चुका है और कई लोगों के पास वो गाना पहुँच चुका है, इसी के तहत जो है आज सिन्हा ओपी के द्वारा जो है बढ़ारा थाना कांड संख्या 112 अपनी 23 ये विभिन्न जो धाराएं हैं जैसे अश्लील गाना का जो प्रचार करने में आईटी एक्ट तो जो भी विभिन्न धाराएं उनमें ये प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उसके खिलाफ जो है आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। क्या सर प्रमोद प्रेमी को गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए जो हमारे जो संबंधित धारा है उसमें अरेस्टिंग का हुआ है, हम उसको जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसका करेंगे, गिरफ्तार करने का उसमें सेक्शन होगा तो उसके खिलाफ उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दो कि प्रमोद प्रेमी यादव इस गाने के लिए आप लोगों से माफी भी मांग चुके हैं। जी आप सभी को बता दो कि प्रमोद प्रेमी यादव सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किए हैं और लिखे हैं कि मैं कल मस्ती मजाक समझ के एक होली का गाना गाया था जिसको कुछ चंद लोगों ने राजनीति एवं जातिगत रूप देने की कोशिश की है, अगर आप सभी को मेरे इस गाने से ठेस पहुंचा है तो मैं माफी चाहूंगा, मेरा मकसद किसी जाति नेता एवं किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है, मैं हमेशा आप सभी श्रोतागण को अपना भगवान मानता हूं और आजीवन मानूंगा, मैं ये गाना बंद करवा दिया हूं, अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को मेरे इस गाने से ठेस पहुंचा हो तो मैं माफी चाहूंगा। जी आप सभी को बता दो कि प्रमोद प्रेमी यादव जो कि इस गाने के लिए आप सभी से माफी भी मांग चुके हैं और साथ ही साथ आपको बता दो कि भोजपुर पुलिस ने प्रमोद प्रेमी के अलावा और दूसरे गायकों को भी वार्निंग दी है कि आप लोग अश्लील गाना गाना बंद कर दीजिए, आप लोग अश्लील गाना बनाना बंद कर दिए और साथ ही साथ आम लोगों से अपील भी की है कि आप लोग कहीं भी अश्लील गाने को मत बजाइए और जो भी लोग डीजे पर अश्लील गाना बजाते हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जी हां भोजपुर पुलिस ने कड़ा संदेश दिया है कि जितने भी लोग होली के मौसम